इयत्ता पहिली ते दहावीच्या मुलांसाठी निबंध व भाषण तयारी करून घेण्यासाठी या व्हिडिओमधील माहिती उपयुक्त ठरणार आहे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरे प्रिय शिक्षक एक जबरदस्त हिंदी भाषण है जो 10 लाइन में आपको दिया है। इस वीडियो की आप इंफॉर्मेशन लिखकर ले सकते हो। चलो तो शुरुआत करते हैं। शिक्षक चाहे कोई भी हो, शिक्षक के माध्यम से ही बच्चे अपने भविष्य में आगे बढ़ते हैं। शिक्षक बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयत्न करते हैं। आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे नए नए भाषण निबंध आपके लिए लाते हैं। मेरे पसंदीदा शिक्षक का नाम श्री पांडुरंग भोसले सर, जो कि मेरे और मेरे सारे दोस्तों को बहुत प्यार करते हैं और हमें हर कदम हर दम अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहते हैं ताकि हम अपने भविष्य में एक सफल नागरिक बने। मेरे पसंदीदा शिक्षक हम लोगों को गणित और अंग्रेजी की विषय पढ़ाते हैं। हमारे शिक्षक जब हमें गणित पढ़ाते हैं और कोई ऐसा गणित होता है जो हमें समझ में नहीं आता है तो वह उससे संबंधित कई मजेदार उदाहरण देकर हम लोगों को वह गणित समझाने का प्रयत्न करते हैं और हमें वो समझ में आता है। हमारे शिक्षक पढ़ाई के मामले में थोड़ा सख्त और कड़े है जरूर है, लेकिन वह सख्ती वह कड़वाई इसलिए बरसते हैं ताकि बच्चे मन लगाकर पढ़े। हमारे शिक्षक चाहे किसी भी काम में व्यस्त हो, अगर हम उनके पास अपना कोई सवाल लेकर जाते हैं तो वह सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले हमारे इस सवाल का जवाब देते हैं। हमारे शिक्षक का पढ़ाने का तरीका बहुत ही मज़ेदार है और वह हम लोगों को ऐसे उदाहरण देते हैं जिससे हम लोगों का मन पढ़ाई में लगता है। हमारे शिक्षक कभी किसी विशेष बच्चे पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वह सभी को बराबर प्यार करते हैं और सभी को एक समान मानते हैं। हमारे शिक्षक के इतने अच्छे व्यवहार के कारण वह सिर्फ मेरे ही पसंदीदा शिक्षक नहीं बल्कि मेरे सारे दोस्त भी उन्हें पसंद करते हैं। हमारे पसंदीदा शिक्षक श्री पांडुरंग भोसले सर की वजह से हमारा गणित और अंग्रेजी आज बहुत ही मजबूत हो गया है और हम लोग अपने क्लास के गणित अंग्रेजी के किसी भी सवाल को आसानी से हल कर पाते हैं। तो ये मेरे प्यारे प्रिय शिक्षक थे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को शिक्षक दिन की सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।